हेलो, वहाँ बैठ के वहाँ बैठने बोल भी नहीं पा रहा। सुबह सुबह देखो रखे उनके बहुत दिल तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। अभी हम लोग जा रहे हैं भोपाल आस्टा से, और अभी इसमें एड ब्लू डलवाना है और पेट्रोल भी कम है, पेट्रोल भी डलवाना। तो भैया यहाँ से डीजल नहीं डला है क्योंकि इनके पास एड ब्लू नहीं था, हमने डीजल भी नहीं डलवाया, वो दोनों कहीं कहीं और से डलवा देंगे। मतलब एड ब्लू ही नहीं रखते, बनता नहीं है। अपन के पास तो रखा है शायद, पीछे वो खाली हुआ क्या, वो वाला क्या पता। डार्लिंग फैसल के घर जा रहे हैं क्योंकि आ तो हम लोग कल ही गए थे, लेकिन आज आस्टा गए थे, कल ही आस्टा गए थे। तो हम लोग ने बाइक यहाँ पे खड़ी कर दी थी, और जो बाइक है ना उसका भी मैंने मोटो ब्लॉग बनाया है कटनी से भोपाल आने का, तो अभी उसको टाइम नहीं मिल रहा है एडिट करने का, तो वो फिर कभी आएगा। अभी फैसल के घर चल रहे हैं क्योंकि उसके यहाँ बाइक खड़ी है। वो देखो, वो खड़ी है बाइक, देखो कैसे लॉक किया था। मैं तो बोल रहा हूँ अभी मत खोल, अभी खा के आते हैं अपन। अरे हाँ, गेट खोल दो। कहाँ चले? रात को कैब लगाता हूँ मैं। तो चले कहाँ वो तो बता, उसके यहाँ चलते हैं अपन। किसकी? उसके बेगम्स बीबी की हो गया। अरे वो यो यो सब, अभी हम लोग खा रहे हैं ये शामी कबाब। कैसे हैं? ठीक था। ओके, तो ये लेके जा रहे हैं हम घर, और खड़े खड़े गंदी हो गई। चालू है, देखना पड़ता है कि चालू है कि नहीं। वो भोपाल और भोपाल के ऊंचे ऊंचे स्पीड ब्रेकर, यहाँ पे बेचारा कोई अपनी स्पोर्ट्स कार लाए तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ, कहाँ? विष्णु, ये हमारे घर के पास वाला 6 नंबर वाला, इसको देखो खा खा के बैठा हुआ है, इसको देखो ये खा खा के उठता ही है। अरे शिवम चोवे फेमस हो गए, ये तो ये हमारे स्कूल में पढ़ता था ये। बताओ टीवी में आ गए, मेन स्ट्रीम में आ गए, छोले कुलचे कोल्ड कॉफी। सही बात है, देखो इनकी गाड़ी में सुबह हो गई। सुबह हो गई मामू, मामू ए मामू, गंदा मामा सोए फॉर्च्यूनर चाचा जागे। ये किसकी शादी से जा रहे हो? लाल कुछ खाए हो खाना ना कि भूखे पेट जा रहे हो? कुछ बोलेगा तो बोलेगा, और क्या बोलेगा, रहन दो। ये देखो रेस लग रही है, ये बस और ट्रक वाले साले पगले एक दूसरे से रेस लगाते रहते हैं कि पहले मैं जाऊंगा, नहीं 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 पहले मैं तो जाऊंगा, ओ नहीं 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 मेरे को सवारी उठानी, अरे मेरे को सामान छोड़ना है, नहीं नहीं ठीक है उसका आगे आगे जिससे कि मैं वो ले लूं। क्या ले लूं? ग्राहक ग्राहक मतलब ऐसे रोड में पड़े रहते हैं, इनको बैठा लेते ना ये लोग। सही बात है, क्योंकि देखो ये जितनी सीट है सीट का पैसा तो मालिक लेगा, मालिक लेगा, पर जो नॉर्मल ये गांव से बगल गांव जाने वाले 50-100 देते हैं, 100-100 देते हैं, 100-100 ऐसे ही 2-3 हजार पर वो कमा लेते हैं। ड्राइवर मालिक से ज्यादा कमाता है, मालिक को एक गाड़ी में 20 भी देखो 50,000 भी अगर टोटल हुआ ना तो 35,000 का डीजल लग जाता है, और 20,000 रुपए बसता होगा, 5,000 रुपए उसको देता होगा, 5-7-10 हजार रुपए उसको ड्राइवर को, और दो ड्राइवर रहते हैं 5-5 हजार रुपए, मतलब एक चक्कर में 15,000 मैक्स टू मैक्स बचता होगा गाड़ी वाले को, मतलब जो भोपाल इंदौर से जो कटनी अटनी अपने आती है एक चक्कर में 15,000 रुपए मैक्स, 15-20 हजार रुपए बचता होगा।
अच्छा उसको मिलते भी तो होंगे? किसको? खुद की सैलरी भी तो मिलती होगी। तो बोल रहा हूँ लास्ट में वो 10-15 हजार मालिक को मिलता है कटपट के एक चक्कर का, वही तो बोल रहा हूँ। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। उसमें भी सुन लो, उसमें भी वो ईएमआई देता है गाड़ी की। ईएमआई भी भरता है? पहले से एक बार में नहीं उठाता। हाँ? ये देखो भाई पूरा चिल तरीके से चल रहे हैं सिंगाजी धाम वाले रोल्स रॉयस पे बैठ के अपनी। ये अरे अरे क्या मस्त तरीका है, फुल एसी गए गए गुदगुदी लगा दो जाके गाड़ी से गुदगुदी लगा। अरे गाड़ी का प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन ये है कि अगर जैसे 4 साल की किस्त है तो 4 साल बाद तुम्हारे पास 30 लाख की एसेट बन जाएगी, तुम बेच दो तो उसको मिल जाएगा तुमको 30 लाख रुपए। ये होता है, वैसे चलते में कोई फायदा नहीं है, ठुक पड़ गए तो उसका अलग वो लग जाता है। अब बंद कर दे, ये लोग समझ गए होंगे, जनता समझ गई होगी। जनता को बताओ ना भी हम ट्रांसपोर्ट की यूनियन है, देख लो ये ट्रांसपोर्ट का यही है, इतना तो हम बता ही सकते ना कि हमको क्या होता है क्या नहीं होता, इतनी गाड़ियों के मालिक। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए, इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते।